हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं डिवीजन का पार्ट टू। ठीक है, पार्ट वन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, आज हम पार्ट टू करने जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा उससे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो पहले वाले सम्स थे जो पार्ट वन में थे, उसमें क्या था कि अगर जो हमारा डिविडेंड है वो सपोज अगर यहाँ पर 44 है ना, और अगर हमने उसको 2 से डिवाइड करना है तो ये ऐसे होता था कि 2 2 4 हो जाता था। ठीक है, अब हम आज इस तरह के सम करेंगे कि जिसमें ये जो हमारा डिविडेंड है, ये जो बीच वाला जो हमारी रकम है, ठीक है, ये जो हमारी फिगर है, ये जो लिखी हुई है, इसमें अगर ये पूरा का पूरा नहीं भी भाग जाता, मतलब इसमें और जैसे पहले तो हम ऐसे करते थे ना, क्रॉस आ जाता था, वो नहीं आएगा इसमें। इसमें बचेंगे कुछ यहाँ पे डिजिट्स। ठीक है, तो वो देखते हैं कि क्या होगा, है ना, कि कैसे हम उसको करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, और अगर आपको बहुत बेसिक वाला आता है तो इस पार्ट को ही आप देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो डिवीजन पार्ट टू करेंगे आज हम। इसमें हमने 48 को डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, 48 को जब 3 से डिवाइड करना है, अब ये 3 क्या है, 1 डिजिट है ना, तो 1 डिजिट को देखना है। जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जिससे हमने भाग करना है, जिससे हमने डिवाइड करना है, अगर वो छोटा है और ये चीज यहाँ पर बड़ी है, 1 डिजिट से करना है तो पहले फर्स्ट डिजिट को ही देखना है हमने। ठीक है, 1 को 1 से डिवाइड करने की ट्राई करनी है। तो अगर ये यहाँ पे छोटा होगा, ये बड़ा होगा, फिर हमने दोनों डिजिट्स को देख लेना है। ठीक है, लेकिन अगर पहला डिजिट 1 से करना है तो 1 को पहले देखेंगे। इधर ये बड़ा है, ये छोटा है, तो मतलब डिवाइड हो जाएगा ये वाला इससे, है ना, हो जाएगा ना। हमने क्या करना है, जब हमने टेबल गिनना है तो हमने या इससे कम आना चाहिए हमारा टेबल में, या फिर हमारा उतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम करेंगे 3 1 3, 3 2 6, तो 6 तो ज्यादा हो गया ना, यहाँ पे 6 नहीं लिख सकते हम, 4 के नीचे 6 नहीं लिखेंगे, या तो 4 से छोटा आना चाहिए या 4 आना चाहिए। 4 तो आता नहीं है 3 के टेबल में ऐसे, है ना, अगर हम 3 1 3 करेंगे तो 3 2 6 आ जाता है, तो 4 सिर्फ वो बड़ा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 1 3 लगा देंगे। ठीक है, और मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया हुआ है कि इसको इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 में से जब हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 1, है ना। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आ जाता है ना। फिर जैसे पिछली वाली वीडियो में दिखाया था वैसे ही करना है, ऊपर वाला जो डिजिट है उसको हमने नीचे उतार लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब 3 का टेबल फिर से गिनेंगे। ठीक है, या वो 18 आना चाहिए या फिर 18 से कम आना चाहिए, 18 से बड़ा नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे किसी भी हालत में। ठीक है, तो अगर हम करते हैं 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18 आता है ना। ठीक है ना, तो 18 पूरा का पूरा आ गया। और इसको अगर हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आया मतलब क्रॉस, और यहाँ पे 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आया मतलब क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आया, इस वाले सम का, इस वाले सम का हमारा आंसर आया 16। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, आज फिर से पार्ट्स बता दूंगी कि डिवीजन के सम्स में इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो 16 आ गया। इस तरह के सम्स में इस वीडियो में कराऊंगी आपको, अच्छे से कराऊंगी, और अगले वाले वीडियो में मैं ना आपको ये बताऊंगी कि यहां पर हमारा जैसे कि यहां पे कुछ बच जाता है यहां पर, ठीक है, मतलब क्रॉस नहीं आता है एंड में, एंड में सपोज यहां पर 2 बच जाए हमारा या 1 बच जाए, तो हम 3 से तो उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे ना, तो उसको वैसे का वैसे ही रखते हैं, फिर उसको चेक कैसे करते हैं। ठीक है, आज भी मैं बताऊंगी कि हम चेक कैसे करेंगे अपने आंसर की हमारा ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो सेकेंड वाला सम कर ले, फिर उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि चेक कैसे करेंगे। इसमें 64 को डिवाइड करना है 4 से, तो फर्स्ट डिजिट अगर 1 डिजिट है ना, तो 1 डिजिट को देखेंगे 6। 6 बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। अगर ये 4 से छोटा है तो हमें दोनों डिजिट को देखना है, अगर वो 4 से बड़ा है तो हमें सिंगल डिजिट से ही गुजारा करना है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 का टेबल गिनेंगे, 4 1 4, 4 2 8, तो 8 तो बड़ा हो जाएगा ना, 6 के नीचे 8 बड़ा होता है, तो वो नहीं करेंगे, तो क्या आएगा, 4 1 4। ठीक है, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और फिर ऊपर से उतार लेंगे हम अगला डिजिट जो कि है 4। ठीक है, तो अगर हम 4 का टेबल गिनते हैं तो 4 6 24 आता है, 4
फोर सिक्स 24 आता है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फोर में से फोर सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो, टू में से टू सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो. अब जीरो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो डिवीजन वाले सम में हम क्रॉस लगा देते हैं तो फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती. तो इसका भी आंसर हमारा आ गया 16. ठीक है, ये हमारा आंसर होता है. उसके बाद हमारा 85 जो है, 85 को हमने किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है. ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, सिंगल डिजिट देखेंगे, ये 8 बड़ा है ये छोटा है, मतलब हमने सिर्फ एक डिजिट को ही अभी देखना है. ठीक है, तो 5 1 5, 5 2 10, तो 10 तो बड़ा हो जाएगा ना 8 के नीचे, तो 5 1 5 करेंगे हम. ठीक है, और 5 में से 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आया 6 7 8. मैंने आपको बताया हुआ है कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं इजी तरीके से. ठीक है, और यहाँ पे ऊपर से 5 जो है हम उतार लेंगे, है ना. तो अगर 5 का टेबल गिनते हैं तो 35 कहाँ पे आता है, 7 5 35, इतना ही आता है ना. माइनस करेंगे, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 0, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 0, तो आंसर हमारा आ गया 17. आई होप आपको समझ में आ रहा है. ठीक है, चलो दो सम्स और कर लेते हैं, फिर आपको बाकी चीजें बताऊंगी, नेम बताऊंगी, चेक करना कैसे है वो भी बताऊंगी. 91 को हमने 7 से सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, जो पिछले वाले सम थे उसमें यहाँ पे या तो 7 था, इस तरह से लिखा था ना मैंने, ताकि पूरा का पूरा आ जाए, आपको माइनस नहीं करना पड़े. लेकिन इसमें थोड़ा सा हम आगे, अब आगे आगे वाले पार्ट्स में आगे बढ़ेंगे ना. 91 को 7 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 जो है वो बड़ा है और 7 क्या है, छोटा है. तो हम कर सकते हैं ना 7 से इसको डिवाइड, तो 7 1 7, 7 2 14, तो नहीं 14 तो बड़ा हो जाएगा, तो 7 1 7. ठीक है, तो 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, ऊपर से 1 उतार लेंगे 1, तो अब 7 का टेबल फिर से गिनेंगे, 7 3 20. ठीक है, तभी मैं बोलती हूँ टेबल आने बहुत बहुत जरूरी है. 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 0, तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया 13. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 96 को 6 से सब हमने डिवाइड करना है. ठीक है, तो ये 9 देखा और 6 देखा, 9 बड़ा है 6 छोटा है, तो 6 के टेबल से फर्स्ट डिजिट को ही लेंगे, तो 6 1 6, 6 2 12, नहीं 12 नहीं आ सकता, तो 6 1 6 आएगा. तो 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा. 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 9 में से, माइनस करते हैं तो 3 आंसर आता है, और ऊपर से हमने ले लिया 6, है ना. तो 6 का टेबल गिनेंगे तो आएगा 6 6 36. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 0, तो इसका भी आंसर हमारा आ गया 16. ठीक है, तो इस तरह से करते हैं हम ये वाले डिवीजन के सम्स. और चेक कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे ये यहाँ पर हमारा डिवाइजर है, ये मैंने आपको पहले बता देती हूँ दोबारा से एक बार आपको, है ना, ये जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंट. ठीक है, और डिविडेंट होता है जो मेन फिगर होती है, और जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर, और जो हमारा आंसर आता है यहाँ पर उसको बोलते हैं कोशेंट. ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा 0 0 आया ना, अगर यहाँ पे कोई फिगर बच जाती है हमारी एंड में आकर, कोई फिगर अगर बचती है तो उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर. रिमाइंडर मतलब वो बच गया. ठीक है, तो अभी हमने रिमाइंडर वाला कोई नहीं, हमारा सब रिमाइंडर 0 है यहाँ पे. ठीक है, अगली वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 से ज्यादा बचता है तो फिर कैसे चेक करते हैं. ठीक है, पर अभी हमारा इन सम्स पे कोई रिमाइंडर नहीं है ना, तो फिर कैसे करते हैं हम डिवाइजर और कोशेंट को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर और कोशेंट को. जैसे ये यहाँ पे डिवाइजर 6 है और कोशेंट कितना आया हमारा 16, तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36. तो कैसे मैंने आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन के सम्स में 3 ऊपर 6 नीचे, है ना, 6 1 6 और ऊपर जो 3 उसको ऐड करेंगे तो कितना बन गया 9 96. तो 96 आ गया ना, तो ये देखो यहाँ पर भी 96 है. तो डिवाइजर को और कोशेंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो है वो डिविडेंट आ जाना चाहिए. तो हमारा डिविडेंट आ गया सेम, तो इसका मतलब ये है
कि जब हमारा डिविडेंड सेम आ गया तो मतलब हमने ठीक से इसको डिवाइड किया। ये चेक करने का तरीका होता है कि किस तरह से हम अपने डिविजन को चेक करेंगे। अगली बारी बताऊंगी रिमाइंडर को कैसे लगाकर चेक करते हैं, ठीक है। और मुझे लगता तो नहीं, वैसे हिंदी में वैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बता दिया था, चलो बता देती हूँ। डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं भाज्य, डिवाइजर को बोल देते हैं भाजक, ठीक है, और कोशेंट को बोल देते हैं भागफल, मतलब भाग करने के बाद जो फल आया, ठीक है। तो इसको शेषफल बोलते हैं, वो मैं अगली वाली वीडियो में आपको हिंदी में बता दूंगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, आपको अच्छे से आ गया होगा डिवाइड करना बच्चों। और अगर रियल में आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको पसंद आई और आपके लिए यूज़फुल रही। और अगली वाली वीडियो जो है वो इससे नेक्स्ट पार्ट होगा और इससे आगे हम बढ़ेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी ज़रूर प्रेस कर देना, वो इसलिए कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स।